दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, तो आप यही सोच रहेंगे कि कंट्रोलर क्या है। दोस्तों तो कंट्रोलर कलेक्शन ऑफ डायरेक्टिव सर्विस एंड फिल्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका कलेक्शन कैसे है, उस कंट्रोल में से हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं दोस्तों आप कंट्रोलर को क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोलर को कॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट है। तो दोस्तों पहले कंट्रोलर हमें कहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो कंट्रोलर हमारी कस्टम जेएस में हम क्रिएट करेंगे। अगर आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है तो पहले आपको एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अपने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल क्रिएट करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को कॉल करके भी रखा ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना है। ठीक है, तो आपने मॉड्यूल को, यानी कि जो आपने मॉड्यूल क्रिएट किया है उस मॉड्यूल को आपने कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया है, माय मॉड्यूल वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल ले लेता हूँ माय मॉड्यूल। ठीक है, और डॉट लगा के मैं लगा देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंट्रोलर, तो यहाँ पे आ गया है कंट्रोलर। तो दोस्तों अब कंट्रोलर आपके सामने क्रिएट हो गया है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि कंट्रोलर का जो नेम है आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। आप कंट्रोलर का जो भी नेम रखो, मैं लगा देता हूं माय कंट्रोलर। ठीक है, मैंने एक नेम दे दिया है कंट्रोलर का, माय कंट्रोलर। और यहां पे आपको कॉमा करके यहां पे लिखना है फंक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, फंक्शन। तो फंक्शन लिखना है, और फंक्शन के अंदर आपको दोस्तों मैं बोलूंगा आपको एक पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, डॉलर स्कोप। ठीक है, ये डॉलर स्कोप क्या है दोस्तों, तो इसे आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रीडिफाइंड वेरिएबल है आपके सामने। अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे सिंपल डॉलर लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी है वो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिर से स्कोप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने स्कोप लगा दिया और ये वेरिएबल आपके सामने अभी क्रिएट हो गया है, और वहाँ पे आपने कंट्रोल भी अपना पूरा क्रिएट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपने क्या किया, जहाँ पे आपका मॉड्यूल स्टोर था, तो यहाँ पे उसने आपने ये मॉड्यूल का वेरिएबल उठा लिया, उस वेरिएबल में आपने कंट्रोल क्रिएट किया। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्रोल का नेम दिया और कंट्रोल के अंदर आपने फंक्शन क्रिएट किया और उसमें आपने एक पैरामीटर पास करवा दिया, जो कि आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक फंक्शन, आपको पता ही, अलर्ट। ठीक है दोस्तों, आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। तो अभी यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोलर बन चुका है, तो यहाँ पे HTML की फाइल में उसे हमें कॉल कहाँ करवाना है दोस्तों, तो उसको कॉल ऐसे करवाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक डीएवी ले लेता हूँ और यहाँ पे एक डायरेक्टिव ले लेता हूँ, एनजी कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी डायरेक्टिव है कॉल करने के लिए एनजी कंट्रोलर। तो कंट्रोल का नेम आपने कहाँ पे दिया था, तो ये, ठीक है, माय कंट्रोलर। तो इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे मैं सेव करके जब रिफ्रेश करूँगा तो आपके सामने ये मेरा कंट्रोलर कॉल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंट्रोलर को कैसे क्रिएट करते हैं और कंट्रोलर को कैसे कॉल करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी, अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा जरूर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। कंट्रोलर और स्कोप को मैं बताऊंगा कि स्कोप से आप कैसे फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो सब बाद में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।